दुनिया को जो भी लोग को देखोगी कि सभी लोग को एक ही प्रॉब्लम कि मेरा इंग्लिश कमजोर है, मेरे को तो इंग्लिश नहीं आता, लोग तो मेरे को मजाक जो उड़ाएगी, मेरे को जो भी मैं बोलूंगा उसकी मजाक उड़ाएगी। तो ये बात सही है, हमें जिसको भी देखो हम उसी का इंग्लिश जब कमजोर है उसकी सामने वाले इंग्लिश बोलेगी तो आपको लगेगा कि ये बंदा बहुत अच्छा है इंग्लिश बोलते हैं, ये उसके सामने तो मैं बहुत ही गरीब हूँ इंग्लिश में, बहुत ही पोर मैन हूँ। तो ये जो हमारा कमजोरी है जो कि अपने आप को सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो जो इंग्लिश में बहुत कमजोर है, मैं क्या कर सकती हूँ जिस काम पे, आज स्कूल पे भी जाइए, जब आपकी इंग्लिश कमजोर होगा तो आपकी टीचर भी आपके ऊपर परेशान हो जाएगी और आपको पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं देगी। ये तो वो तो बंदा क्या पढ़ेगा, पाठ पाठ पढ़ाए जो ये पढ़ने के लिए लायक नहीं है, तो उसको इंग्लिश पता है ही नहीं। जब आप कोई इंटरव्यू देने के लिए जाओगी तब तो वहां पर भी लोग बोलेगी कि उसको तो इंग्लिश नहीं आता है, ये क्या है इंटरव्यू पे लोग ही, तो उसको कौन सा नौकरी दोगी, क्या उस उनमें से सिखाने के लिए कुछ कौन पैसा देगा क्या आपको, नहीं ना। तो इंग्लिश आज आपको इंग्लिश को दम के साथ कैसा कॉन्फिडेंस के साथ आप इंग्लिश बोल सकते हो, मैं एक छोटा सा टिप्स दूंगा, आपको अच्छा लगे तो बाद में कमेंट करके बताना कि इंग्लिश बोलने का सही तरीका ये है। तो आपको क्या करना है, देखिए मार्केट पे तो न्यूज़पेपर बहुत ही अवेलेबल है, बहुत सारे, तो आप न्यूज़पेपर लेके आइए घर पे, नहीं है तो कितना लगेगा, एक न्यूज़पेपर के लिए आपको 4-5 रुपया देना पड़ता है। तो ऐसा भी आप जो कोई रद्दी दुकान पे जाओगी तो ऐसा बोल दोगे भैया मेरे को 2-3 इंग्लिश पेपर चाहिए, तो वो आपको दे देगी इंग्लिश पेपर ऐसा भी फ्री में, ये तो सीक्रेट टीका आपको आपको बता दे, तो जो कि फ्री में आप मिल जाएगी उसी जो 2-3 इंग्लिश पेपर उस दिन उसी से तो आप 1 महीना काम चला देगी। तो आपको क्या करना, पर डे जो इंग्लिश पेपर उठा के मार्केट पे लाई हो पर डे आपको वही इंग्लिश का स्पेलिंग, इंग्लिश को जोर जोर से तेज से बोलना, जोर जोर से बोलना, उसकी तेज से बोलने से क्या होगा देखिए, तो तेज से बोलने से आपकी जो दिमाग पर वो प्रेशर पड़ेगा, तो जो कि उसी प्रोनाउंसिएशन और उसी वर्ड को आप याद रख पाओगे बहुत इजी है उनमें से। और आप जब ऐसा बार 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 करोगे वो पेपर आपके प्राय जो कि बहुत सारे चीज जो उनमें से आपको याद रह जाएगी इंग्लिश पर, उसको क्या बोलते हैं जब बार 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 पढ़ोगी। ऐसा नहीं तो और एक काम भी कर सकते हो, आपके पास स्टोरी बुक है इंग्लिश का, जब नहीं है तो कोई दूसरे को ऐसा मांग के ले सकते हो, नहीं तो आप कोई दुकान से भी खरीद सकते हो। तो उसी से क्या कि आपको इंटरेस्टिंग से साथ आपको कोई जो स्टोरी पढ़ना शौक है तो स्टोरी बुक ले जाइए, इंग्लिश पढ़ना शौक है इंग्लिश जो राहिम का जो कोई जो गाना जो गाने के लिए आपको शौक है तो इंग्लिश गाइए, इंग्लिश का राहिम गाइए आप, तो उनमें से क्या होगा जो भी चीज जो जो बात आप कर रही जो जो काम कर रही उसके लिए आपको इंग्लिश ले आइए इंग्लिश को। जो देखिए इंग्लिश में आज क्यों ऐसा बोल दो, आप जो भी काम करोगे, हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी है लेकिन इंग्लिश आपको पता नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आपको तो मोबाइल चलाना है उसकी उसमें उनमें से कौन सा लैंग्वेज भैया बताओ, तो सभी पर इंग्लिश लैंग्वेज है। कंप्यूटर चलाने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए, किसी दूसरे के साथ काम करने के लिए जो अदर जो भी काम करते हो आप, कोई ऑफिस पे काम करते हो तो आपके आपको इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है। जब इंग्लिश में आपको पता नहीं चलेगा इंग्लिश क्या है, जब आपकी इंग्लिश में कमजोरी रहेगा कि मैं क्या इंग्लिश कर पाऊंगी, तब तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं कर पाओगी, तब तो आप कभी भी इंग्लिश सीख नहीं पाओगी। जब आप साइकिल चलाने जैसा देखिए आप जब पहले से साइकिल चलाना सीखे थे क्या, नहीं, जब स्टार्टिंग की थी आपकी हैंडल का बैलेंस ऐसे 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 होते थे, तो उसी से आप धीरे 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 क्या ऐसा ऐसा होने से आप छोड़ देते हैं क्या साइकिल चलाना, नहीं है ना।
तो ऐसा इंग्लिश भी जब पहले से सीखते हो तो आपको ऐसा ऐसा तो होगा, आपको थोड़ा 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 बहुत तो प्रॉब्लम आएगी उनमें से, बोलने से या पढ़ने से, स्पेलिंग करने से, ये बहुत सारे प्रॉब्लम आएगी। तो क्या आपको कोई गाली करेगा उनमें से? कोई भी गाली नहीं करेगा, आप घर बैठे तो ये काम कर सकते हो ना, या करोगी तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप तेज तेज से बोलो, भूल जो कि रॉन्ग भी हो जाए वो भूल है या ठीक है, उनमें से ध्यान मत दीजिए। पहले आप ऐसा ही पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। देखिए कुछ ही दिन के बाद आपका इंग्लिश पे इंप्रूव आ जाएगी। ऐसा करते करते आप 5 से 6 महीने से इंग्लिश सीखना और इंग्लिश बोलने से तेज हो जाएगी। आपकी छोटा सा टिप्स अच्छा लगा तो मेरे को कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको इंग्लिश बोलने के लिए और कुछ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने किया नहीं तो कर सकते हो, और जब मेरे वीडियो अच्छा लगा तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। और आपको और एक टिप्स दूंगा कि आप मेरे साथ जुड़े होने के लिए आप बहुत सारा फायदा, जैसे कि आप इंग्लिश बोलना या मोटिवेट करना, आपको फिर क्या है कि फ्रीलांसिंग का काम मैं आपको बताऊंगा, ब्लॉगिंग का काम, ऑनलाइन घर बैठे बैठे कैसा कम पैसा कमा सकते हैं, ये बहुत सारी चीज आपको बताऊंगा। तो उसी के लिए आपको सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बार को जरूर दबाना है।